गारमेंट्स होंगे, अपैरल्स हैं, हैंडलूम्स एंड क्राफ्ट्स हैं, वो कैसे एक्सपोर्ट किए जाएंगे, इस बेसिस पे F5 का विजन हो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज सुस्मिता एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भारत टेक्स 2025। सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो। भारत टेक्स 2025, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेज इंट्रैक्शन सेशन विद ओवर 30 कंट्रीज। सो अगर हम 30 कंट्रीज की बात करें, लाइक भारत टेक्स 2025 सेकेंड एडिशन रहा है। फर्स्ट एडिशन इसका 2024 में था, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, दैट वाज हेल्ड बिटवीन 26th to 29th February 2024। सो ये इसका फर्स्ट एडिशन था भारत टेक्स का। एंड इट्स सेकेंड एडिशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एज वेल। बट द थिंग इज कि जो ये 30 कंट्रीज के साथ इंट्रैक्शन सेशन ऑर्गेनाइज करा गया था, इट वॉज हेल्ड ऑन 21st October 2024। एंड इन 30 कंट्रीज में देर वर मैनी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान थे, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, ब्राज़ील, चिली, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड मैनी मोर। सो भारत टेक्स 2025 टू फोकस ऑन स्केल, सस्टेनेबिलिटी एंड स्किल्स। इंडिया इज लुकिंग एट द शेयर्ड फ्यूचर, अ फ्यूचर दैट इज सस्टेनेबल, इक्विटेबल, प्रोस्पीरियस फॉर ऑल ऑफ अस, श्री पवित्रा मार्गरेटा। सो हि श्री पवित्रा मार्गरेटा, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम एंड ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स। सो ये जो भारत टेक्स 2025 का इवेंट हुआ था, जो इंट्रैक्शन सेशन ऑर्गेनाइज करा गया था एट सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली, इन दिस सेशन देवर लाइक दे टॉक्ड अबाउट the sustainability and the skills and scale, like they are going to focus on this topics in Bharat Tex 2025। ये एक textile, mega textile event होता है जिसमें आपके handlooms, handcrafts, इन सारे चीज़ों को शो करा जाता है। इट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो एग्जिबिट करा जाता है एंड अलग अलग कंट्रीज के बायर्स आते हैं, अलग अलग कंट्रीज के जो और हमारे जो खुद के कंट्री के एग्जीबिटर्स होते हैं वो होते हैं, बायर होंगे, विजिटर्स होते हैं, ये सारे हमारे भारत टेक्स वाली इवेंट को अटेंड करते हैं। तो 2024 में जो फर्स्ट टाइम ये इवेंट हुआ था, सो इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल एट दैट टाइम। सो इस बार जो सेकंड हो रहा है, इसमें जो इस इंट्रैक्शन सेशन में चीफ गेस्ट थे, ही इज पवित्रा मार्गरेटा। सो उनकी डिटेल्स हैं यहाँ। एंड जो और भी डिफरेंट पीपल जो अटेंड किए थे इस सेशन को, द सेशन वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाई सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स मिस रचना सा, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री पी कुमारन, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स श्री रोहित कंसल, ट्रेड एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स मिस शुभ्रा, इंडस्ट्री लीडर्स एंड सम ऑफिशियल्स। तो दिस वर द पीपल जो अटेंड किए थे इस इवेंट को। नेक्स्ट देर आर सम पॉइंट्स, क्योंकि वेन एवर कोई इवेंट होता है या फिर कोई भी स्कीम या फिर कोई भी चीजें लॉन्च होती है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं डेट वी नीड टू मेमोराइज। सो दिस आर सम पॉइंट्स, लाइक दिस इवेंट इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ F5 विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन एंड टू फॉरेन। इट मीन्स जो
फाइव विजन मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर का जो फाइव विजन है, फाइव एफ जिसे हम कहते हैं, फाइव एफ विजन, इट मीन्स कि फार्म से फाइबर तक, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, और फैशन से फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे यहाँ के गारमेंट्स होंगे, अपैरल्स हैं, हैंडलूम्स, हैंडक्राफ्ट्स हैं, वो कैसे एक्सपोर्ट किए जाएंगे, इस बेसिस पे एफ फाइव का विजन होता है. नेक्स्ट, द इवेंट विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली एट टू स्टेट ऑफ द आर्ट वेन्यूज. फर्स्ट विल बी भारत मंडपम न्यू दिल्ली, एंड सेकेंड विल बी इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा. तो ये दो स्टेट में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है. एक तो आपका दिल्ली हो गया और दूसरा यूपी के ग्रेटर नोएडा में. वाइल द मेन इवेंट, क्योंकि ये जो अभी हुआ था, ये एक सेशन हुआ था जिसमें जस्ट डिस्कशन हो रहा था और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा था, बट ये जो इवेंट हो रहा है मेन इवेंट, वो हेल्ड किया जाएगा फरवरी 14-17 एट द भारत मंडपम एंड विल कवर द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल्स, एग्जीबिशंस pertaining of handicrafts, garment machinery and ethnic apparel will be held from February 12-15 at the India Expo Center Mart, Greater Noida. It means ये जो दो अलग अलग event हैं, 12-15 February तक 15th February 2025 में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसे ऑर्गेनाइज करा जाएगा, जिसमें एथनिक्स अपैरल होंगे, गारमेंट मशीनरी और ये सारी चीजें होंगी. बट व्हेन इट कम्स टू योर भारत मंडपम, तो फरवरी 14-17 के बीच में इसे ऑर्गेनाइज करा जाएगा. नेक्स्ट, भारत टेक्स 2025 एग्जीबिशन विल फीचर डेडिकेटेड पेविलियंस फॉर अपैरल, होम फर्निशिंग, फ्लोर कवरिंग्स, फाइबर, यार्न्स, थ्रेड्स, फैब्रिक, कारपेट, स्किल, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, अपैरल मशीनरी, डाइज एंड केमिकल्स एंड मेनी मोर. इट मीन्स दीज आर द थिंग्स दैट इज गोइंग टू एग्जिबिट इन भारत टेक्स 2025. सो भारत टेक्स इज अ मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बींग ऑर्गेनाइज बाई अ कंसोर्टियम ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दैट इज ईपीसी एंड सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. So, ये जो आपका भारत टेक्स मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज करा जाएगा ईपीसी के थ्रू, और जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कर रहे हैं. इट इज गोइंग टू बी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम फरवरी 14-17 2025. भारत टेक्स 2025 इज पोजिशनड एज अ ग्लोबल स्केल टेक्सटाइल ट्रेड फेयर एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म. सो प्रीवियस ईयर में भी ये जो फेयर हुआ था वो वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल फेयर था, एंड दिस ईयर भी ये मेगा टेक्सटाइल फेयर होने वाला है. बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो वो सक्सेसफुल रहा था. सो दिस ईयर टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस ईयर भी सेम वही चीजें प्रोसेस, वही प्रोसेस करने का सोचा है. एंड दिस ईयर built around the twin themes of resilient global value chains and sustainability, this year's show promises to be even more vibrant and attractive than the first edition se zyada vibrant aur attractive this year hone wala hai. So attracting top policy makers, global CEOs, international exhibitors and global buyers, जिसमें इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स भी होंगे, ग्लोबल बायर्स भी होंगे. एंड अगर हम नंबर्स की बात करें तो अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ ओवर 5,000 एग्जीबिटर्स, 6,000 इंटरनेशनल बायर्स फ्रॉम ओवर 110 कंट्रीज एंड ओवर 1,20,000 विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस ईयर्स इवेंट. सो इसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कितना मेगा इवेंट होने वाला, कितना बड़ा इवेंट होने वाला है टेक्सटाइल का. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल टेक्सटाइल डायलॉग्स, covering conference, seminars, CEO round tables and B2B, it means business to business, and G2G meetings. G2G का मतलब होता है government to government. It means ये सिर्फ event exhibition नहीं होगा, ये इसमें conference भी होंगे, इसमें meetings भी होगी, जिसमें business to business भी लोग deal करेंगे, and also government to government meetings across various key topics such as industry 4.0, sustainability, global value chain, investment, trade, among other areas. So ये जो जितने भी मैंने आपको चीजें बताई, important points बताए हैं, this is about your Bharat Tech 2025 जो कि February month में held होगा. अभी उसकी preparation हो रही है, दो अलग अलग place पे ये होने वाले हैं. एक तो आपका भारत मंडपम होगा दिल्ली का, और दूसरा
जो एक्सपो सेंटर है ग्रेटर नोएडा यूपी में, वहाँ पे दो इवेंट होने वाले हैं। दोनों में अलग अलग चीज़ों को एग्जिबिट करा जाएगा और डेट्स जो है वो डिफरेंट है। 12-15 एक का डेट है और दूसरे का 14-17। सो ये सारे डिटेल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।